हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कोई भी रिटन एग्जाम को आपको नहीं देना होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। यानी कि डायरेक्ट आपको सेंटर पर जाके इंटरव्यू के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे देखिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बताते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए आई हुई है, पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए आई हुई है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज के लिए आई हुई है, टीजीटी फाइन आर्ट के लिए आई हुई है, टीजीटी पीटीआई के लिए आई हुई है। जो कि इसमें देखिए वेन्यू कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए 11/10/2023 यानी कि वेडनेसडे 10 बजे आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम है। और यहाँ पे देखिए टीजीटी की बात करते हैं तो 11 को ही 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जो कि आपको वहां पे जाना होगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है हमको कितना पेमेंट दिया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट टीचर के लिए बात करते हैं, तो 27,500 पर मंथ प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वेस्ट भी है, लेकिन ये एज अ परमानेंट टीचर की भी सैलरी इतनी ही प्रोवाइड की जाती है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें कि टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जो कि 26,250 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पीजीटी में हमारा जो है हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ पीजीटी कॉमर्स की बात करते हैं यानी कि अकाउंटेंसी की, तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स शुड बी प्रोफिशिएंट इन अकाउंटेंसी, आपको अकाउंटेंसी में मास्टर होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी कॉमर्स इन बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री इन कॉमर्स शुड बी प्रोफिशिएंट इन अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड बैंकिंग फाइनेंस में आपका होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपका बीएड डिग्री होता है या फिर उसके इक्विवेलेंट होता है तो तभी आपको यहाँ पे जो है टीचर के लिए रखा जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो कर दिया गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज आपको जो है होना चाहिए। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है जिसे आपको अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें अगर मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया, समझाना स्टार्ट कर दिया तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाने वाली है। तो इस पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर टेलीग्राम पे, तो 100% मैं आपको डाल ही देती हूँ, तो वहां जाके डाउनलोड करके इसे आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, जो कि रेलवे स्कूल से निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nfr.indianrailways.gov.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बताते हैं वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है, तो यहाँ पे दे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से वैकेंसीज आई हुई है, जो कि वो RTSM के लिए है। इसमें देखिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है फिलअप करना है, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 23/9/2023 से, लेकिन क्लोजिंग डेट है 8/10/2023, यानी कि 8 अक्टूबर 2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम स्कूल टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट रेलवे हाई स्कूल नेताजी विद्यापीठ रेलवे हाई स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दिया है क्लियर, की किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, कितना पेमेंट दिया जाएगा। मेरे लिए इतना ही मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी अदर डाउट होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली वर्ष में विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज को अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक साथ मिलते हैं।